हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेरे एक वीडियो पे या दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आए थे। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने ग्रीन क्रिसेंथेमम गुलदाउदी को दिखाया था। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये देखिए दोस्तों, ये पौधा अभी ऐसा हो गया है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए सोचा। मेरे जितने भी सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बोला था कि इसका हमें सीडलिंग्स चाहिए, तो मैंने इसीलिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी तो यहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री से अबव हो गया है, लेकिन कुछ मेरे क्रिसेंथेमम फूल आ रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ा उनका कलर फेडेड हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें फूल हैं। ये देखिए कितने सारे आए हैं, लेकिन ये पिंक कलर का है और वाइट जैसा दिख रहा है। गर्मी में इसको ज़्यादा देखभाल नहीं करती फ्रेंड्स, इसको सिर्फ सुबह या शाम पानी दीजिए। अभी इसके नए नए ग्रोथ और शूट्स नीचे से निकलते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखिए अभी, ये देखिए नीचे से ये देखिए नीचे से आया है ना सूट। तो मैं इसे ज़रूर बचा के रखूँगा अगले सीजन के लिए, और आपको जितने भी जिन लोगों ने मुझे सीडलिंग के लिए बोला था उनको मैं भेजने की ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन ये पौधा बस बच जाए। बड़ी मुश्किल से ये ज़िंदा है, अभी ये ख़त्म होने वाला था। हाँ, इसकी जो क्यार है ना फ्रेंड्स, इसको धूप में ज़्यादा मत रखिए, लेकिन धूप भी इसे ज़रूरी है। इसको सुबह सुबह की धूप ऐसी जगह पर रखिए जिससे यहाँ पे इसको सुबह सुबह की धूप मिले और दोपहर की कड़की धूप इसे ना मिले, तो इसमें अच्छा ग्रोथ रहेगा। लेकिन समर तो चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें जो बरसात का मौसम है उसमें ज़्यादा थोड़ा देखभाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें बरसात के मौसम में इसकी जड़ें हैं जो गल जाती हैं और ये पौधा बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन गर्मी में भी थोड़ा केयर करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे अभी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर सुबह सुबह की धूप मिले और दोपहर की धूप ना मिले इसे। ये देखिए दोस्तों, मेरे जितने सारे गुलदावड़ी हैं इनको मैंने सब एक ही जगह पर रख दिया है। आज अप्रैल 6 तारीख हो चुका है, लेकिन देखिए इसमें अभी भी फूल हैं, फेडेड है लेकिन अच्छा तो दिख रहा है, गार्डन में थोड़ा अलग सा लग रहा है। वैसे भी गर्मी में बहुत कम सारे फूल होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। और ये वाला जो मैंने आप लोगों ने जिसकी सीडलिंग के लिए लिखा था, देखिए ऐसा अभी कैसा दिख रहा है, इसका मैं ज़रूर केयर करूँगा और अगले सीजन के लिए ज़रूर बचा के रखूँगा इसे। ट्राई तो कर रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन पता नहीं इसका क्या होगा, इसलिए मैंने जितने भी मुझे कमेंट्स आए थे मेरे व्यूअर्स ने लिखा था कि इसका सीडलिंग कब तक रेडी हो जाएगा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, लेकिन जब भी रेडी हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा। सभी पे देखिए नए नए शूट्स निकल रहे हैं नीचे से, जितने भी गुलदावड़ी हैं अभी उनके शूट्स निकलते हैं, तो अभी रहने दीजिए, लेकिन बरसात में थोड़ा ज़्यादा देखभाल करना इसका। ये देखिए ग्रीन वाला का भी शूट निकल रहा है, ये मुझे देख के बहुत खुशी हो गई कि चलो ये पौधा भी चल जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसका, लेकिन जैसा मैं फील कर रहा हूँ ये चल जाएगा और ठीक हो गया तो मैं इसके जो सीडलिंग है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो सिर्फ इस पौधे को दिखाने के लिए बनाया था,
तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ। थैंक यू।